तीनों राज्यों की बात करें तो बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा चुनौती राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर थी, जहां सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही थी। यही वजह है कि सीएम के ऐलान में 9 दिन का वक्त लग गया और सबसे आखिरी में राजस्थान का सस्पेंस खत्म हुआ। लेकिन भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर कैसे लगी, क्या है भजनलाल के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी, अब जरा वो जानते हैं। ना वसुंधरा, ना शिवराज, ना रमन सिंह, बीजेपी के आला कमान ने फिर चौंकाया। एक नए चेहरे भजनलाल को राजस्थान का सीएम बनाया। सारी अटकलें फेल, सारे दांव पेच फेल। जो शख्स पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा, जो शख्स पहली बार विधायक बना, वो शख्स सीधे मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो गया। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे भजनलाल के नाम पर मुहर लगी, भजनलाल के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी। विधायक दल की बैठक के बाद वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह मीडिया के बीच नजर आए। इस वक्त वसुंधरा के हाथ में एक पर्ची थी, ये पर्ची उन्हें राजनाथ सिंह ने सौंपी थी और वसुंधरा के चेहरे की मायूसी साफ बता रही थी कि उनके सारे दांव पेच फेल हो चुके हैं। इस पर्ची की कहानी भी समझ लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। फोन पर कुछ मिनट दोनों की बात हुई, इसके बाद ये पर्ची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में दे दी गई। इस पर्ची में राज्य के होने वाले सीएम का नाम था और फिर वसुंधरा राजे ने मीडिया के सामने आकर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वसुंधरा राजे को मनाना था। इसके लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया, क्योंकि वसुंधरा नतीजों के बाद से एक्टिव हो गई थी। पहले जयपुर में शक्ति प्रदर्शन और फिर दिल्ली में मुलाकात का दौर। ऐसे में पार्टी चाहती थी कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई बगावत ना हो। एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। आज जयपुर पहुंचते ही राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की। करीब आधे घंटे लंबी बैठक चली। बैठक के बाद वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह पार्टी ऑफिस के लिए निकले। इस दौरान वसुंधरा मुस्कुरा रही थी। कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए पर्यवेक्षकों की टीम ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दिया कुमारी और अनीता भदेल को अलग अलग कमरे में बिठाकर बातचीत की गई। भजनलाल शर्मा को अलग कमरे में ले जाकर राजनाथ सिंह ने बात की। वहीं सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने प्रेमचंद बैरवा के साथ अलग कमरे में बैठक की। पार्टी ऑफिस में विधायक दल की बैठक से पहले फोटो सेशन हुआ। यहां वसुंधरा राजे आगे की कतार में राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी के बगल में बैठी थी। वहीं एक बार फिर जो सीएम चेहरा था वो पीछे विधायकों की भीड़ में नजर आ रहा था। सस्पेंस जारी था कि क्या आगे की सीट से कोई सीएम बनेगा या फिर पीछे खड़े चेहरों में से कोई नाम सामने आएगा। भजनलाल इन तस्वीरों में चौथे नंबर की लाइन में खड़े थे, कुछ वैसे ही जैसे एक दिन पहले मोहनलाल यादव नजर आ रहे थे। फोटो सेशन के बाद विधायक दल की बैठक हुई और भजनलाल के नाम का ऐलान हो गया। भजनलाल के नाम पर लंबा मंथन चला, सारे फैक्टर को देखा गया, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लगाई गई। 9 दिन तक चले सस्पेंस के बाद आखिरकार राजस्थान को अपना मुख्यमंत्री मिल गया। शरद कुमार, जयकिशन और देवांकुर के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक। बीजेपी ने तीनों राज्यों में सीएम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सीएम बनाने में किन फैक्टर्स का ध्यान रखा गया है, उसके बारे में आपको समझा देते हैं। नए चेहरे को सीएम बनाया, पुराने और बड़े चेहरे को नजरअंदाज किया गया, खेमेबाजी और दांवपेच करने वालों का पत्ता काट दिया गया, जातिगत समीकरण को भी खासतौर से साधा गया है।
और इसी वजह से आप देखेंगे तीनों सीएम के नाम के ऐलान के साथ भी जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है। संघ से जुड़े लोगों को मौका दिया गया, दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तीनों ही राज्यों में रखा गया है। भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं परिवार के लोग भावुक नजर आ रहे हैं, उनके परिवार की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले डिप्टी सीएम बनाए गए प्रेमचंद भैरवा से बातचीत की है हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। सुनिए वो कितने उत्साहित नजर आए इस ऐलान के बाद। राजस्थान के दो डिप्टी सीएम ही मिले हैं, प्रेमचंद भैरवा नए डिप्टी सीएम हमारे साथ हैं। प्रेमचंद जी, उम्मीद थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये शायद भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। मैं से एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहा, और जो भी दायित्व मुझे मिला निश्चित रूप से उसको बखूबी से निभाता हूँ, और जो ये दायित्व दिया निश्चित रूप से मैं इसको जनता के साथ मिलकर और अच्छी तरह से सब 36 कौम को साथ लेकर चलूंगा और उनके साथ रहकर काम करूंगा। जिस तरह से राजस्थान में एक दलित अत्याचार को बड़ा मुद्दा बनाई बीजेपी ने, आप एक दलित चेहरे के रूप में सरकार में होंगे डिप्टी सीएम के रूप में, कांग्रेस भी कहती थी कि हम सबसे ज्यादा दलित मंत्री बनाए हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? कांग्रेस कहती है, लेकिन सबसे जो ज्यादा अत्याचार जो हुआ पूरे भारत में जो राजस्थान में हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ, मैं निश्चित रूप से दलितों के उत्थान के लिए काम करूंगा और दलित जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं दलितों के उत्थान के लिए काम करूंगा और 36 कौम को साथ लेकर हर वर्ग के साथ में मिलकर काम करूंगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको पसंद किया, किस तरह से पसंद किया, क्या आप में खूबी देखी, आपको लोगों से बातचीत हुई, क्या कैसे रहा आपका चयन? नहीं, मुझे खुद को पता ही नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं गृहमंत्री जी का भी आभारी हूं और हमारे प्रदेश नेतृत्व है उसका भी आभारी हूं मैं, सम्मान्य सीपी जोशी जी का, माननीय वसुंधरा राजे जी का, और सभी का मैं हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है निश्चित रूप से उस पर मैं काम करूंगा। आप मुख्यमंत्री के सलाहकार को हरा के आए हैं बाबूलाल नागर को, मैं आपके चुनाव क्षेत्र में गया था, ऐसा लगा था कि जनता ही चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा जनता ही चुनाव लड़ती है, आदमी उस जनता को किस तरह से अपने फेवर में लेता ये होता है। निश्चित रूप से मेरे साथ पूरी जनता थी, 36 कौम साथ थी, और उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। प्रेमचंद भैरवा नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। चुनौतियां कड़ी और बड़ी हैं, आगे उसका सामना अब ये कैसे करेंगे इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। उधर भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है, परिवार के लोग भावुक हैं। कैसे भजनलाल के माता पिता ने बेटे के सीएम बनने पर अपनी खुशी जाहिर की है दिखाते हैं आपको। आपका जो बेटा है भजनलाल वो आज मुख्यमंत्री बने राजस्थान के? हाँ जी, मुख्यमंत्री बने। कैसा लग रहा? उम्मीद थी? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया भगवान की मर्जी। उम्मीद थी आपको? उम्मीद, देखो हम तो कर चुना है भाई, छोटा सा कार्तिकाल का बच्चा है। अच्छा, हाँ हमें संघर्ष किया? नहीं, संघर्ष कितना किया? भगवान की कृपा है, मालिक की। और उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन है भैया, किशन लाल। क्या लग रहा है आज आपके पुत्र बन गए मुख्यमंत्री? भैया भगवान की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी, आप लोग मेहरबानी है। संघर्ष किया भजन लाल ने आपके? बहुत बहुत करे। आप उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, भगवान